उदाहरण लेकर के उस पे पालन क्यों नहीं करना चाहते कि यदि एक भेड़ कुएं में गिर जाती है, यदि एक भेड़ ट्रेन के नीचे आ जाती है तो पूरे का पूरा रेवा ट्रेन के नीचे कट जाता है और ट्रेन चलती रहती है। हम भेड़ का जो है क्यों नहीं उदाहरण लेना चाहते कि एक अगर कुएं में गिर रहा है तो मुझे भी कुएं में गिर जाना चाहिए। ये नहीं कह, यदि आप किसी को भी अपने मोहल्ले में प्रधान बनाते हैं तो प्रधान उस मोहल्ले वाले को जहां कहे नहीं हमें वोट को डालना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वही ये व्यवस्था जो 67 साल से हो रही है वही व्यवस्था चलती रहेगी। कर्नाटक में शुरुआत हुई थी, सिद्धरमैया जब मुख्यमंत्री बने तो लोगों ने अपने आप को सिद्धरमैया को अपना नेता मानने का काम किया तो वहां नेता बन गया, लेकिन बाकी प्रदेशों में ये काम नहीं हो रहा। दिल्ली के अंदर भी सब अपने अपने स्तर पर बात को उठाते हैं और अपने एक नए नाम से अपने संगठन को चलाने का काम कर रहे हैं। दूसरा अगर सम्मेलन करता है तो जो है वो उसके सम्मेलन में नहीं जाता है। तो ये जो हमारी जो धारणा है इस धारणा को हमें बदलना होगा और जब तक हम अपने मनों के अंदर से धारणा को नहीं निकालेंगे तब तक हम एक राजनीति मंच नहीं बना सकते और जब तक राजनीति मंच नहीं बनेगा हमारे समाज का कोई उद्धार हो नहीं सकता। तो इसलिए साथियों मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि इन सब नेताओं को बैठा करके एक करने का काम करें और यदि नहीं जो नहीं होता उसका तिरस्कार करने का काम करें। ये गर्मिया महासम्मेलन तभी सफल होगा जब हम एक नेता बनाने के ऊपर अपनी बात को उठाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय लवाई होता।